दोस्तों इस वीडियो में आप देखिए कैसे बनती है देसी गांव की पकौड़ी, जिसमें प्याज मिर्चा और कुछ मसालों को डालकर मस्त पकौड़ी बनाई जाती है। इस वीडियो में मैं आपको यही दिखा रहा हूँ। जो एक शख्स दिख रहा है भाई, वैसे तो ये मेरे मामा जी हैं और मामा जी का आज शौक बना कि आज वो बनाएंगे पकौड़ी, और वो भी अपने हाथ की। तो इसीलिए वो, जैसा कि आप देख रहे हैं, अपने हाथों से हर एक चीज़ मिक्सिंग करते हुए, सानते हुए, छानते हुए हर एक तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अभी आगे भी देखिए क्या क्या करते हैं भाई मामा जी। फिलहाल तो अभी सानने में जुटे हैं, अब इनका लाइटर चालू यानी कि गैस की तैयारी कर रहे हैं। उधर मसाला जो पकौड़ी का है इसे भी सानते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं गैस ऑलमोस्ट जल गई, कढ़ाई में अब डाला जाएगा तेल। चाहे आप डालें रिफाइन, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पड़ रहा है गांव का जाना माना डालडा रथ, जो कि गांव में काफ़ी चलता है रथ डालडा। और इस डालडे के साथ बनेगी अब ये गांव की देसी जबरदस्त पकौड़ी, जिसे आप भी खा के कहेंगे वाह भाई वाह, जबरदस्त पकौड़ी है। तो आप पूरा वीडियो प्रोसेस देखिए, इनकी हंसी पर मत जाइए, क्योंकि ये हंसते हैं तभी तो लोग खुश होते हैं। अब इन्होंने चमचा उठा लिया है और ऑलमोस्ट तेल गर्म हो गया होगा, तो उन्होंने सोचा एक बार फिर से क्यों ना मथ लिया जाए। तो एक बार फिर से मामा जी मथते हुए नजर आ रहे हैं और अब वो कढ़ाई में डालना चालू कर दिए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। एक एक करके वो बहुत सारे पीस इसमें डालेंगे, लगभग 10-12 पीस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब इसके बाद मामा जी हमारे इसको अच्छे से पकाएंगे। फिलहाल तो अभी भाई एक एक पीस करके वो डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब पकना चालू हो गया। अब इसे ये अच्छे से चलाएंगे, अच्छे से घुमाएंगे, जैसा आपने होटलों में बहुत खाया होगा, ढाबे पर भी खाया होगा, लेकिन ये जो गांव का देसी पकौड़ी है इसे भी एक बार आप खा के बना के जरूर देखिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप इस तरह की पकौड़ियाँ बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये पकौड़ी तैयार है, और इस पकौड़ी के तैयार होने के बाद हम चालू करेंगे खाना। तो अब पकौड़ी तैयार, निकालना चालू, अब करेंगे हम सब लोग खाना चालू। तैयार है पकौड़ी, अगर आपको भी खाना है तो चाहे सादा, चाहे चाट मसाले के साथ या फिर सॉस के साथ, आप भी खाइए ये पकौड़ी।